दोस्तों बचपन में आपने कभी ना कभी बेन 10 तो देखा ही होगा। हाँ वही शो जहाँ एक लड़के के पास एक घड़ी होती है और उसके हेल्प से वो अलग अलग एलियंस में बदल जाता है। क्या कूल शो था राइट। बट दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या रियल लाइफ में हम बेन 10 की घड़ी जैसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप भी अलग अलग एलियंस को छोड़ो एटलीस्ट अलग अलग एनिमल्स में तो बदल ही सकते हैं। तो दोस्तों सुपर हीरो साइंस के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं ओमनीट्रिक्स की पॉसिबिलिटी के बारे में कि क्या हम आज कल या 100 साल बाद भी ओमनीट्रिक्स जैसी कोई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं या नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों ओमनीट्रिक्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने से पहले आप एक चीज माइंड में रखिए कि आज के टाइम पर हमारे पास एलियंस के होने या ना होने को लेकर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और इसलिए उनके डीएनए सैंपल लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर आज के टाइम पर किसी ने ओमनीट्रिक्स बनाने की कोशिश करी देन उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा एनिमल्स, क्योंकि उनका डीएनए हमें इजीली मिल सकता है। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पर, दैट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रियल ओमनीट्रिक्स। अगर हमें रियल में ओमनीट्रिक्स बनाना है देन हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कल को कोई इंसान एक रियल ओमनीट्रिक्स बनाने के बारे में सोचता है देन उसे दो फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, डीएनए एंड एनर्जी। अब इन दो फैक्टर्स को क्यों कंसीडर करना पड़ेगा ये मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये डीएनए आखिर होता क्या है। सिंपली पुट, डीएनए हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे हेरिडिटरी और जीन्स की जानकारी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और यही इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर भी होती है। ऑल्सो डीएनए अर्थ के हर एक लिविंग क्रिएचर के अंदर पाया जाता है एंड हियर कम्स द टर्म जेनोमिक्स। दोस्तों जेनोमिक्स डीएनए की स्टडी को कहा जाता है जहां साइंटिस्ट अलग अलग क्रिएचर्स के डीएनए पर रिसर्च करते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब दोस्तों ओमनीट्रिक्स भी इसी जेनोमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है जहां वो भी अपने अंदर अलग अलग एलियंस का डीएनए स्टोर करके रखता है और जब भी बेन कोई एलियन सिलेक्ट करता है तो ओमनीट्रिक्स उस हिसाब से एलियन का डीएनए बेन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है फॉर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। बट दोस्तों ये जो डीएनए इंजेक्टिंग प्रोसेस है उसे अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में अचीव करना मुश्किल है, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। इसे ऐसा समझिए कि हम लोगों को एप से इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कई हजार साल का टाइम लग गया, तो आप कुछ सेकंड्स के अंदर इंसान से फॉर एग्जाम्पल हाथी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जा सकते हैं। दोस्तों आपने ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि बेन जब भी किसी एलियन में बदलता है तब ना सिर्फ उसके अंदर पावर आती है बल्कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है और वो भी हर एक एलियन के लिए बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब दोस्तों आज के टाइम पर या मुझे नहीं लगता कि आने वाले 500 सालों तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है जो कि एक क्रिएचर के कंप्लीट फॉर्म को ही चेंज कर दे, यानी कि स्किन एंड मसल से लेकर बोन डेंसिटी एंड शेप तक, एवरीथिंग एट वंस। हाँ अगर सिर्फ आउटर लुक को चेंज करने की बात होती देन वो हम प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से कर सकते हैं, बट बॉडी के अंदर के एक बोन के शेप को चेंज करना दैट इज नॉट पॉसिबल। प्लस चलिए मान लिया कि किसी तरह हमने इंसानों को हाथी बनाने का तरीका ढूंढ भी लिया, देन वो जो एक्स्ट्रा मैटर है वो आखिर आएगा कहाँ से? या अगर एक इंसान को बिल्ली में बदलना हो देन उसके अंदर का एक्स्ट्रा मैटर आखिर जाएगा कहाँ? मोर ओवर अगर किसी तरह सपोज ये सब पॉसिबल हो भी जाता है तब भी एक क्रिएचर का डीएनए दूसरे में डालने से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है और इंसानों के केस में देर आर कॉम्प्लिकेशंस लाइक कैंसर जो कि एक ओमनीट्रिक्स पहनने वाले को यूं ही कुछ ही दिनों के अंदर नेचुरली मार डालेगी। अब दोस्तों यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि एक क्रिएचर को किसी दूसरे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, बट माय पॉइंट हियर इज कि ट्रांसफॉर्मेशन को बेन 10 की तरह इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ अब ये हो सकता है कि आज से 1000-2000 साल बाद जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आधी दुनिया पानी के अंदर चली जाएगी तब हम इंसान उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए नेचुरली विकसित हो जाएं और हम मे भी रिपजॉ की तरह दिखने लगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। अब देखो फंडा यह है कि अगर आपको किसी भी मैटर का शेप, साइज या क्वांटिटी को बढ़ाना या घटाना हो देन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर बात करें बेन 10 के जैसे फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तो इस केस में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इतनी ज्यादा है कि वो वॉच पहनने वाले के साथ साथ उसके 10 किलोमीटर रेडियस में जो कुछ भी है उन सबको खाक में मिला सकती है, सॉर्ट ऑफ लाइक ए न्यूक्लियर बॉम्ब। बट फॉर्चुनेटली फ्यूजन एनर्जी को एक कंट्रोल्ड वे में यूज कैसे करना है ये हम इंसानों ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा एनर्जी को इतने छोटे से डिवाइस में और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन के अंडर जनरेट कर पाना आज के टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
तो अगर सीधी बात करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एनर्जी है, हमें पता भी है कि उसको एक कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल कैसे करना है, बट हमें सिर्फ ये पता नहीं है कि इतने ज्यादा एनर्जी को ओमनीट्रिक्स जैसे एक छोटे से डिवाइस में कैसे स्टोर करना है, और वो भी बिना उस ओमनीट्रिक्स को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके परिणाम के बारे में कि अगर आपने इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करने वाली एक ओमनीट्रिक्स पहनी है देन आपके साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है। अब पहले तो आप उस वॉच को उठा ही नहीं पाएंगे क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी उस डिवाइस में होगी उतना ही उसका वजन बढ़ता जाएगा। प्लस इतनी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को अपने हाथ में पहनने से कुछ ही सेकंड्स के अंदर या तो आपका हाथ उस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाएगा या आप एक घातक रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ओमनीट्रिक्स जैसे कोई डिवाइस बनाना विद सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट। और तो और अब तक एनर्जी से जुड़े हमने जो भी परिणाम देखे वो बस एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, लाइक बेन टू फोर आर्म्स या बेन टू कैनन बोल्ट। बट क्या हो अगर बेन को वे बिग बनना हो तो, या अगर रियल लाइफ की बात करें तो एक इंसान को ब्लू व्हेल में बदलना हो तो। जरा सोचिए कि इस केस में जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी ज्यादा होगी, कुछ इतनी जिससे कि पूरे एशिया को तबाह किया जा सके। तो दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ में ओमनीट्रिक्स जैसी कोई डिवाइस बनाना आजकल तो छोड़ो बल्कि आने वाले 500 से 1000 सालों में भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। और अगर ये किसी तरह बन भी गया देन उसे देखने या इस्तेमाल करने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहने वाले। सो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।